माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। इमेजिनेशन गैलरी में आप सबका स्वागत है। वेल, आज हम एक पर्यटन स्थल का दृश्य ड्रॉ करने जा रहे हैं, जहां जैसे कि आप देखेंगे अभी, एक व्यक्ति अपने बेटी के साथ ताजमहल का मजा ले रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं, और वहां एक खड़ा दूध वाला अपनी मंजिल पर जाने का इंतजार कर रहा है। और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए इस स्केच में, इस पेंटिंग में। और जब तक हम ड्रॉ करते हैं, आइए जान लेते हैं कि पेंसिल स्केच के बारे में। पेंसिल स्केच एक तेजी से करने वाला फ्री हैंड ड्रॉइंग है, जो कि आमतौर पर एक समाप्त काम के रूप में नहीं करने का इरादा है। दैट मीन्स इट इज नॉट इंटेंड टू डू अ फिनिश्ड टाइप ऑफ वर्क। देर इज नो नीड ऑफ डूइंग इट, फिनिशिंग इट प्रॉपरली। स्केचेस कैन बी मेड इन एनी ड्रॉइंग मीडियम, सच एज ड्राई मीडियम्स विद द ग्राफिक वर्क, सच एज सिल्वर पॉइंट, ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल पेंसिल, चारकोल sticks. It also may apply to drawings executed in pen and ink, digital input such as digital pen, ballpoint, marker pen, watercolor and oil pen as well. That means sketches आप कोई भी माध्यम से कर सकते हैं। Generally pencil sketch जो है, जिसका जो शुरुआती दौर पे जो start हुआ था, that was with the charcoal और graphite pencil के साथ। लेकिन उसके अलावा भी अभी पेन से, इंक से, वाटर कलर से भी किए जा सकते हैं। बट द ओल्ड एंड द एंशिएंट फॉर्म एंड द एक्चुअल फॉर्म ऑफ स्केच इज विद द ग्राफाइट पेंसिल एंड द चारकोल पेंसिल। पेंसिल स्केचेस हैव डिफरेंट मेथड्स एज वेल। पेंसिल स्केचेस में बहुत सारे मेथड्स भी हैं, जैसे हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। दैट मींस आपने एक सीधा लाइन ड्रॉ किया एंड देन उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ किया। टोनल स्केचिंग, ब्लेंडिंग, दैट मींस आपने कोई ब्लेंडिंग का मतलब है कि जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दिया, हाथ से स्मज कर दिया। एसेंट लाइन्स, जो कि अभी हम कर रहे हैं एसेंट लाइन्स, एंड इरेजर टू डिफाइन फॉर्म। दैट मीन्स इरेजर से थोड़ा थोड़ा स्मज कर देना ताकि एक डेफिनेट फॉर्म आए। तो ये सारे मेथड्स हैं कि आपने सीधा लाइन ड्रॉ किया, टेढ़ा लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ किया, ये सारे मेथड्स के साथ स्केचिंग किया जा सकता है। अभी नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट वाई यू शुड डू स्केचिंग, वाई यू शुड डू दैट। स्केचिंग आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करता है। आप ध्यान केंद्रित करने और ध्यान देने की क्षमता विकसित कर सकते हैं इसके द्वारा। यह एक कौशल है जो आपके जीवन और करियर में बहुत उपयोगी हो सकता है। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, ताकि रोजमर्रा के काम आप सही से, आसानी से कर सकें। नाउ लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल आर्ट।
We should try these old techniques to make ourselves stress-free, especially in this situation, in this life, where we are always, you know, stressed out. आशा है आपको आज का ये जो सेशन है अच्छा लगा. We will see you soon with another exciting drawing session on Wednesday. Till then, remember to watch Imagination Gallery. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए. Wish you a great week ahead. Bye bye.